A very good afternoon, everyone. Welcome back to Elect for Judiciary. So, as you all wanted, कि एक session हो जहाँ पे हम MCQ के format में कुछ important facts about MP हम discuss करें. So, उसी format में हमने क्या किया? कुछ important question को consolidate किया here in this session. So, I hope आपके लिए ये beneficial हो. So, there is about 30 questions जो हम discuss करेंगे. That is going to be very beneficial for you. So, I hope I'm audible and visible. So let's start this session. Hello Adiba. So waste nahi karte hain time. Let's start. I hope aapko ye dikh raha hoga question. Visibility hai sabhi ko. Is it visible? Question dikh raha hai? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दैट यू ऑल नो दैट जो एमपी का स्पोर्ट्स गेम है दैट इज मलखम. तो आपसे पूछ रहा है मलखम को स्पोर्ट्स गेम कब बनाया गया या जो स्टेट गेम है वो कब बनाया गया. ओके ओके हाँ देन आंसर. ओके अदीबा सेड इट्स बी आशीष. ओके ठीक है आंसर करिए. सचिन ने बोला है बी. ओके बी. ओके लेट्स सी. सो आंसर इज नॉट बी इट्स डी. सो आपको ईयर तो बिल्कुल ध्यान में रखना है दैट ईयर इज 2013. 2013 को ही इसे स्टेट गेम बनाया गया था मलखम को. ठीक है दैट इज अ काइंड ऑफ रेसलिंग पोल गेम. ठीक है सो 9 अप्रैल 2013 को इसे स्पोर्ट्स गेम बनाया गया. साइड बाय साइड प्लीज रिवाइज व्हाट इज द स्टेट ड्रामा ऑफ एमपी. सो वी ऑल नो कि मालवा में एक ड्रामा परफॉर्म किया जाता है दैट इज मार्च. दैट इज द स्टेट ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश. ठीक है सो डी इज द राइट आंसर. ठीक है और आपको ये सारी चीजें तो पता ही होंगी दैट जो स्टेट बर्ड है स्टेट एनिमल है उनका नाम क्या है. ठीक है सो दीज आर वेरी बेसिक बट आपको डेट जरूर याद रखना है 9 अप्रैल. ओके ओके अब आपको बताना है 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है. तो अगर आपने देखा होगा जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसका जो सर्कुलर शेप है दैट इज इंस्पायर्ड बाय दिस टेम्पल ओनली जो कि मध्य प्रदेश में है. ठीक है सो यू हैव टू टेल मी कि ये कहाँ पे लोकेटेड है. ग्वालियर. ओके और कोई. प्रियंका ने बोला है ग्वालियर बी. सो एक्चुअली जो 64 योगिनी टेम्पल है ये बहुत जगह पे बना हुआ है. ग्वालियर में ओरछा में है एंड इट इज ऑल्सो इन जबलपुर. बट जो मैं न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की बात कर रही हूँ जहां से ये इंस्पायर होके आया है एंड अमंग दीज ऑप्शंस मुरैना इज द राइट वन. ठीक है सो मुरैना में कहाँ पे है क्या है आपका 64 योगिनी टेम्पल. ठीक है सो ये आपको याद रखना है. हाँ वेरी गुड योगेश इट इज मुरैना. ठीक है क्योंकि न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग अभी हाल में ओपन की गई है सो कुड बी अ क्वेश्चन कि ये टेम्पल जहाँ से मतलब इसका आर्किटेक्ट डेराइव हुआ है ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है. सो प्लीज रिमेंबर 64 योगिनी टेम्पल इट इज इन मुरैना. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पे सिचुएटेड है. अदीबा ए प्रियांक एवरी वन इज सेइंग ए गुड. सो इट इज जबलपुर. इट इज इन जबलपुर. ओके सो इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दैट वॉज स्टैब्लिश्ड इन आवर स्टेट. एंड वॉट वॉज द डेट जब इसे बनाया गया. सो इट वॉज 2 अक्टूबर 1964. तो 1964 जो ईयर है वो भी आपको याद रखना है. ठीक है सो जबलपुर में है आपके ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय. नेक्स्ट क्वेश्चन सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह. सो यू नो कि बहुत सारे ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं हमारे स्टेट में वो कहाँ पे होते हैं आपको बताना है. ठीक है सो इस क्वेश्चन में आपको बताना है सुभद्रा कुमारी चौहान जो समारोह है वो कहाँ पे होता है.
उज्जैन, योगेश ने बताया. ओके, अदीब भाई इज सेइंग ए. सो आंसर इज नॉट ए, उज्जैन में नहीं होता, इट इज इन, सचिन इज सेइंग सी. वेरी गुड. सो ये जबलपुर में होता है, ठीक है, कहाँ पे नहीं होता, खरगोन में नहीं होता, इट इज इन जबलपुर. सो आपको पता होगा जो लिटरेरी फिगर्स है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जबलपुर से बिलोंग करती है जिस सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि हिंदी हिंदी लिटरेचर की एक तरीके से एक प्रोमिनेंट राइटर रह चुकी है, ठीक है. सो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है, जबलपुर में. इसके अलावा आपको याद रखना है अलाउद्दीन समारोह, ये कहाँ पे होता है, इट इज इन मैहर. ओके, इसके अलावा आमिर खान समारोह, ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका इंदौर में. ओके, एंड देयर इज वन मोर, कालिदास समारोह, ठीक है, ये कहाँ होता है, इट इज इन उज्जैन. तो जो आप लोगों में से उज्जैन आंसर कर रहे थे, उज्जैन से सुभद्रा कुमारी चौहान रिलेटेड नहीं है, बल्कि कौन है, कालिदास है, ठीक है. आपको पता है कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कोर्ट में एक 9 जेम्स में से एक थे. ओके, एंड इनकी जो वर्क्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वो भी साइड बाय साइड रिवाइज करना है. ऑनलाइन होता है ना अंजलि, जुडिशरी, एमपी जुडिशरी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक है, राइट. तो दीज आर इंपॉर्टेंट समारोह जो आपको याद रखना है. अलाउद्दीन का मैहर में होता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मैहर एंड सतना दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है ना कि सतना से अब सेपरेट हो चुका है मैहर, तो आप हो सकता है कि सतना लगा के आ जाओ, ठीक है. तो आपको बहुत ध्यान से लगाना है मैहर, मैहर में होता है बिकॉज मैहर इज नाउ अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. सो दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानी दुर्गावती किस रीजन से रिलेटेड है. बताइए, अदिबा सी बता रही हूँ, कृतिका सी. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. अकबर की कंटेम्प्रेरी थी रानी दुर्गावती एंड जबलपुर से ये रिलेटेड थी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जैसे कि किंग अशोका ने बनाया था, इट इज अ काइंड ऑफ माइनर एडिक्ट जो कि इरेक्टेड बाय अशोका, ये कहाँ पे सिचुएटेड है. तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके थ्रू ही उन्होंने क्या किया था, धम्म घोष या जो आपके धम्म की बातें हैं उसको स्प्रेड किया था, या बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था. एंड ही वॉज दी किंग जिसने अपने डॉटर और सन को श्रीलंका भेजा था इन ऑर्डर टू प्रोपगेट बुद्धिज्म. मंडला योगेश बता रहे हैं, सचिन ए, देवास, और कोई, पूर्णिमा ए बता रही है. नो, आंसर इज नॉट ए, इट इज बी, जबलपुर में है, कटनी टू बी मोर प्रसाइज. सो रूपनाथ इंस्क्रिप्शन इट इज इन जबलपुर, ठीक है, वेरी गुड आयुष, इट इज इन जबलपुर. ओके गुड. अच्छा, अशोका की बात करें तो कुड बी अ क्वेश्चन कि अशोका को किस रीजन का गवर्नर बनाया गया था. तो अशोका को बिफोर ही बिकेम द किंग, ही वॉज फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी, इन्हें उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था. एंड ही वॉज द सेम किंग जिन्होंने, देर वॉज अ प्रिंसेस इन विदिशा जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, महादेवी. एंड कुड बी वन मोर क्वेश्चन कि विदिशा का पुराना नाम क्या है, ठीक है, तो वो आप मुझे बताओ. विदिशा में ही उन्होंने शादी की थी, विदिशा का पुराना नाम आपको बताना है. बताइए. तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, अशोका ने कहाँ की प्रिंसेस से शादी की थी, तो विदिशा की प्रिंसेस से शादी की थी. ओके मोनिका, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू पीडीएफ, बट बिफोर अभी यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को. वेरी गुड सुमंत, इट इज बेसनगर. बेसनगर इसका पुराना नाम था विदिशा का, ठीक है. विदिशा के प्रिंसेस से इन्होंने शादी की. विदिशा इज ऑल्सो फेमस फॉर वॉट, देर इज अ काइंड ऑफ अ पिलर, गरुड़ पिलर, या इसी को ही क्या बोलते हैं, खंबा बाबा पिलर, और इट इज ऑल्सो नोन एज हेलियो डोरस पिलर, ठीक है.
सो इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन विदिशा. सो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पिलर है वो किससे रिलेटेड था. सो देर वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर हु केम टू द कोर्ट ऑफ भागभद्र. ठीक है, सो देर वॉज अ गुप्ता किंग भागभद्र, उनके कोर्ट में आया था एंड इस पिलर को इन्होंने इरेक्ट करवाया था, जहां पे ये लिखा हुआ है दैट हेलियोडोरस जो कि एक ग्रीक था उसने भगवतिज्म को अडॉप्ट किया था, यानी हिंदू कल्चर को या हिंदू रिलीजन को अडॉप्ट किया था. ठीक है, सो दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट अबाउट विदिशा. ठीक है, वेरी गुड. सो बस ये जो पैरेलली हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आप लिखते जाओ. ठीक है, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जबलपुर, विदिशा से किंग अशोका वॉज रिलेटेड, ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन एंड गरुण पिलर एंड एटसेट्रा जो भी नाम हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है ये जो साई है दैट इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका ये जो रीजनल काउंसिल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है. तो साई का जो सेंटर है, जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, इट वाज यू नो ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू, इनमें से जो ऑप्शन है वहां पे इसको ट्रांसफर किया गया था. तो आपको बताना है कि कौन सा प्लेस है. ओके, सचिन बता रहे हैं भोपाल, यानी न्यू दिल्ली से भोपाल किया गया. और कोई? इंदौर. ओके. तो जिनको नहीं पता है प्लीज ये याद रखिए, इट इज इन भोपाल. ठीक है, सो 2005 के आसपास इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑल्सो. ठीक है, सो न्यू दिल्ली से भोपाल को ट्रांसफर किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रीजनल काउंसिल सेंटर. ओके, नाउ एक फेमस फेस्टिवल होता है या फेयर होता है, एक मेला होता है जिसका नाम है गोतमार फेयर, ये कहाँ पे हर साल मनाया जाता है. तो दिस फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो हमारे अलग स्टेट्स है वहां से भी लोग आते हैं इस फेस्टिवल को देखने. सो गोतमार फेयर इज वेर वेर इट इज ऑर्गेनाइज. ओके, सचिन बता रहे हैं छिंदवाड़ा, सुमन छिंदवाड़ा, आशीष डी, कृतिका डी. ओके, सो छिंदवाड़ा इज राइट आंसर. छिंदवाड़ा में हर साल ये गोतमार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. इसी के साथ एक और चीज इस क्वेश्चन से बन सकती है कि ये जो फेस्टिवल है ये किस नदी के किनारे सेलिब्रेट किया जाता है. तो देर इज अ रिवर कॉल्ड जाम रिवर. जाम रिवर जो कि फ्लो होती है छिंदवाड़ा से, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, यानी इसके किनारे ये सेलिब्रेट होता है. ठीक है, सो छिंदवाड़ा प्लीज आप याद रखना कि छिंदवाड़ा में जाम रिवर के किनारे जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉसिल नेशनल पार्क ये कहाँ पे सिचुएटेड है. सो एज यू हैव सीन द ट्रेंड्स ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो नेशनल पार्क आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कृतिका ने बताया बी बालाघाट. डी अंशी कह रही है डी, सचिन कह रहे हैं ए. ओके, सो आंसर इज डी. ठीक है, डिंडोरी है. ठीक है, डिंडोरी में ये फॉसिल नेशनल पार्क है विच इज द वेरी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश. सो जितने भी नेशनल पार्क है उसमें सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, डिंडोरी में है ये फॉसिल नेशनल पार्क. ओके, एंड इसी को घुघुआ नेशनल पार्क भी बोलते हैं. ठीक है, अगर ऐसा करके क्वेश्चन पूछ दिया गया सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज द अदर नेम ऑफ दिस फॉसिल नेशनल पार्क. ये सबसे छोटा है. डिंडोरी के बारे में और फैक्ट ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है एज पर योर 2011 सेंसिस. ठीक है, सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है. एंड ऑल्सो डिंडोरी इज ऑल्सो फेमस फॉर वॉट. यहाँ से कई सारे आर्टिस्ट आपके आते हैं. ठीक है, ट्राइबल आर्टिस्ट दे आर कमिंग फ्रॉम डिंडोरी. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है. तो साइड बाय साइड ये भी देख लीजिए अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है. सो आपको लगेगा इट इज इंदौर बट इट इज नॉट, इट इज भोपाल. भोपाल में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा कम रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है, इट इज इन डिंडोरी. डिंडोरी में ही सबसे छोटा नेशनल पार्क है दैट इज फॉसिल नेशनल पार्क. तो प्लीज ये बताइए आप मुझे कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है. बिगेस्ट बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ
एमपी, बताइए। देखिए सेंसस से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आपको वो भी तैयार करना है। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा भोपाल में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इट इज इन भोपाल, एंड सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन डिंडोरी में, और सबसे छोटा नेशनल पार्क भी डिंडोरी में है, कान्हा किसली नेशनल पार्क। वेरी गुड। सो कहाँ पे है कान्हा किसली नेशनल पार्क? इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी एंड इट इज इन मंडला। ठीक है। सो मंडला, अगर आपने देखा होगा ना, मंडला और डिंडोरी दोनों ही आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है। सो मंडला में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा किसली, जहाँ पे एक मैस्कॉट है जिसका नाम क्या है, गुरसिंह। ठीक है, दैट इज अ स्वाम डियर। ठीक है, ये भी याद रखना। हाँ, एंड डिंडोरी में सबसे छोटा। सो दीज आर दी पैलर इंफॉर्मेशन। ठीक है चित्रंजना, गुड, आगे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी? आई होप आप साइड बाई साइड ये सारे इंफॉर्मेशन भी लिख रहे होंगे, ताकि आप एग्जाम टाइम में अगर रिफ्रेश करो इन्फॉर्मेशन को, सो यू हैव समथिंग इन योर हैंड्स। सुमंत इज सेइंग नानक। अच्छा, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि जेजका भुक्ती डायनेस्टी ये किस रीजन में रूल कर रही थी, एमपी के किस रीजन में रूल कर रही थी, तो उसका आंसर क्या होगा? ओके, सचिन एंड सुमन ने बोला इट इज ए। वेरी गुड। नानक वॉज द वेरी फर्स्ट रूलर जिन्होंने चंदेल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था। ओके, एंड चंदेल डायनेस्टी इज द सेम डायनेस्टी जहाँ के रूलर्स ने क्या किया था, आपके खजुराहो टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाया था। एंड आई आस्क यू कि अगर मैं पूछूं कि जेजका भुक्ती डायनेस्टी ये कहाँ पे रूल कर रही थी, तो चंदेल डायनेस्टी को ही जेजका भुक्ती के नाम से या डायनेस्टी के नाम से बोला जाता था, क्योंकि जेजका भुक्ती वॉज द अर्लियर नेम ऑफ बुंदेलखंड। तो अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि बुंदेलखंड का नाम पुराना क्या था, तो जेजका भुक्ती था, या जेजका भुक्ती रीजन पे कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, चंदेल डायनेस्टी कर रही थी। ठीक है, ओके, हेलो आकांक्षा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डेराइव करने की बात की जा रही है, एंड इट इज नॉट ऑपरेशनल। दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट ऑपरेशनल, बट ये आई गेस 2029 तक ये ऑपरेशनल हो जाए। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे बनाया जाएगा? ओके, सुमंत इज सिंह मंडला। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश क्या है? ओके, सचिन इज सिंह ए। गुड, ए इज द राइट आंसर। मंडला में चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाया जाएगा। एंड आपको पता है कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटमिक पावर प्लांट हैं इंडिया के, उनके लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। हाँ, गुड, सिंगरौली इज द एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। हाईएस्ट सेक्स रेशियो एमपी का किस डिस्ट्रिक्ट में है, बताइए। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंदौर में। जरूरी नहीं है जहाँ के लोग पढ़े लिखे हों उन्हें ये जेंडर बायसनेस उनके अंदर ना हो, है ना? ओके, सचिन इज सेइंग बालाघाट। गुड, बालाघाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बालाघाट जो कि आपकी ईस्टर्न साइड में लाई करता है, द वेल नोन प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश बिकॉज ऑफ इट्स मिनरल डिपोजिट्स, है ना? क्योंकि अगर हम बात करें मैग्नीज एंड कॉपर प्रोडक्शन में, हमारा स्टेट जो है फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे है, एंड थैंक्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, इट इज बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में ही आपने मलाज खंड माइंस का नाम सुना है। सो ये भी क्वेश्चन अगर बन सकता है कि मलाज खंड माइंस ये किस लिए फेमस है, सो दे आर फेमस फॉर यू नो दिस कॉपर प्रोडक्शन। ठीक है, कॉपर प्रोडक्शन के लिए ये माइंस फेमस है। ठीक है, हेलो प्रियल। सो बालाघाट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। ठीक है, यानी
1,000 मेल पे आपकी अप्रोक्स 1,021 फीमेल्स हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है, और सबसे कम कहाँ है, लोएस्ट कहाँ पे है, लोएस्ट इज इन भिंड। तो ये भी याद रखिए, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने डिंडोरी और भोपाल का पेयर बनाया था अर्बन रूरल पॉपुलेशन के लिए, वैसे ही आप बना लो बालाघाट और भिंड के लिए इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, ठीक है, राइट। सो 1,021 यहाँ पे है बालाघाट में, एंड 837 जो है सेक्स रेशियो, इट इज इन भिंड, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, बालाघाट से रिलेटेड एक करेंट अफेयर भी आपके लिए बन सकता है कि बालाघाट में एक बासमती राइस है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चिन्नौर। इट गॉट व्हाट, जीआई टैग मिला है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज द वेरी फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिसे कि एमपी से पहली बार जीआई टैग मिला, ठीक है। अभी तक किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नहीं मिला था, सिर्फ चिन्नौर को मिला है, ठीक है। अभी तो दैट कुड बी अ क्वेश्चन कि चिन्नौर राइस को अभी हाल में जीआई टैग मिला है, ये किस डिस्ट्रिक्ट से इसको मिला है, ठीक है। सो इट इज बालाघाट, ठीक है, गुड। अब आपसे पूछना है नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है। सचिन ने सेइंग बी, उज्जैन। आशीष ने बताया सी, ओके। इंदौर, शिवांश, ओके, लेट्स सी, इट इज सी, इंदौर, ठीक है। इंदौर में नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर है, या आईकार की एक ब्रांच है जो कि सोयाबीन रिसर्च के लिए काम कर रही है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट सोयाबीन रिसर्च सेंटर क्योंकि सोयाबीन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारे इंडिया में कौन है, सो इट इज आवर स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और किस क्रॉप में या किस चीज में हमारा जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, अभी बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, ओके, कृतिका इज सेइंग इंदौर। गोमतगिरी पिलग्रिम के बारे में आपसे पूछ रहा है कहाँ पे या किस रिलीजन से ये रिलेटेड है। शिवांश ने बताया जैनिज्म, ओके। सचिन बी, अदिभय सिंह बी, लेट्स सी, इट इज जैनिज्म ओनली, ठीक है। सो वेरी गुड, गोमतगिरी पिलग्रिम जो है, आप सभी ने अगर मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जब बहुत ही लंबे समय तक फेमाइन चल रहा था उसके स्टेट में, तो उसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ अ जैन मॉन्क ही केम टू कर्नाटका, और वहां पे श्रवण बेला कोंडा करके एक जगह है जहां पे गोमतेश्वर स्टैचू है, वहां पे जाके उसने पेनेंस अपना परफॉर्म किया, एंड ही परफॉर्म व्हाट, संलेखना, ठीक है, यानी ही डाइड परफॉर्मिंग लाइक हंगर स्ट्राइक एक तरीके से की, ठीक है। तो ये जो है गोमतगिरी पिलग्रिम जो है जैनिज्म से रिलेटेड तो है ही, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ रेप्लिका ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैचू। गोमतेश्वर जो स्टैचू है कर्नाटका में, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ पे है ये, तो ये कर्नाटका में उसका एक रेप्लिका है, ठीक है, ये रेप्लिका है जैनिज्म रिलीजन से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे है, इट इज इन इंदौर। इंदौर इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब है इंदौर, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक वेटलैंड है दैट इज कॉल्ड यशवंत सागर वेटलैंड, इट इज रिसेंटली गॉट रामसर साइट टैग, ठीक है। तो अपर लेक का अपना नाम सुना होगा, राजा भोज लेक का नाम सुना होगा, उसके अलावा यशवंत सागर को भी रामसर साइट के लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ओके। एंड इंदौर इज दिस प्लेस जहाँ पे एमपीपीएससी का क्या है, आपका हेडक्वार्टर है, एंड ऑल्सो आपका एमपी का जो फिनांस कमीशन है, इट इज ऑल्सो सेटअप हियर ओनली, ठीक है। सो दीज आर फर्दर इंफॉर्मेशन, राइट। विदिशा वॉज सिचुएटेड और इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, इस कर लेना, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है,
विदिशा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सो इम्पोर्टेंट सिटीज एंड वो किस रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है, दैट कुड बी वन क्वेश्चन. सचिन डी, टेक गॉसिप बी, बेतवा. ओके ओके, इजी क्वेश्चन है, इट इज इन बेतवा. ठीक है, बेतवा. इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और रिवर्स का नाम लिखा हुआ है एंड पैरेलली जिस जो सिटी जो है उनके बैंक्स पे सिचुएटेड है. तो बेतवा पे तीन इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, ओरछा भी है, सांची भी है, विदिशा भी है. तो तीनों का ही आपको रिलेट करना है विद बेतवा. चिप्रा, उज्जैन, यहाँ पे महाकुंभ होता है. माही रिवर के किनारे धार है एंड इंदौर इट इज ऑन द बैंक्स ऑफ खान. ठीक है, तो खान रिवर जो है इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? शिप्रा रिवर. तो ये भी याद रखिए, खान रिवर इंदौर से होके गुजरती है एंड इट इज अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ शिप्रा रिवर. ठीक है, सो ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. हिंडोला महल, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हिंडोला महल रंजना बोल रही है, धार. सचिन डी, आकांक्षा डी, वेरी गुड. सो हिंडोला महल जो है वो धार में सिचुएटेड है. धार इज अ काइंड ऑफ अबोड टू सेवरल मॉन्यूमेंट्स. यहाँ पे बहुत सारे आपको मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम हिंडोला महल. प्लीज लिख लीजिए, देर इज दिस पैलेस कॉल्ड जहाज महल, रानी, रूपमती महल, बाज, बहादुर महल एंड ऑल्सो होशंग शाह का टुम्ब भी है, टुम्ब ऑफ होशंग शाह. तो हमें लग रहा है कि होशंगाबाद में होगा बट इट इज नॉट, इट इज इन हिंडोला, लाइक धार में है. धार में ही आपने सुना होगा देर इज अ सिटी कॉल्ड मांडू. ठीक है, मांडू में ही इन्होंने, होशंग शाह इज कॉल्ड एज द वेरी फर्स्ट किंग ऑफ मालवा. इन्होंने एक तरीके से मांडू शहर को स्टैब्लिश किया, ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ जॉय. ठीक है, सो ये कुछ एक्स्ट्रा है, जहाज महल, रानी रूपमती, बाज बहादुर, होशंग शाह और हिंडोला महल, ऑल्सो खरबूजा महल. गुड सुमन. ठीक है, तो ये हो गया आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. आगे चलते हैं. भगोरिया एक तरीके का एक फेस्टिवल है जो कि किस ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है? आयुषी ने बताया ए, शिवांश भिल, गुड, इट इज ए ओनली, वेरी गुड. आकांक्षा एंड भिंड, भिंड तो है ही नहीं ऑप्शन में, सुमंत. ओके, भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय अ ट्राइबल कम्युनिटी जो कि एमपी की लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है? भिल. ठीक है, राइट. इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे लोकेटेड है? भोपाल. ओके, वेरी गुड, इट इज इन भोपाल, गुड. उदयगिरी केव्स आर सिचुएटेड वेयर? उदयगिरी केव्स, हमने एक और केव्स का नाम सुना है दैट इज उदयगिरी खंडगिरी केव्स. वो लोकेटेड है उड़ीसा में एंड दोज केव्स आर रिलेटेड टू जैनिज्म, जैनिज्म से रिलेटेड है. ठीक है, एंड दिस उदयगिरी केव्स. ओके, आकांक्षा, शिवांश ने बताया रायसेन, इज इट रायसेन? उदयगिरी केव्स रायसेन या विदिशा? कृतिका इज सेइंग भोपाल. ओके, और कोई?
रायसेन में आता है और विदिशा में। इट इज इन विदिशा। कृतिका, गुड। बी, उदयगिरी केव्स किस रिलीजन से रिलेटेड है? सो दे आर रिलेटेड टू हिंदुइज्म। ठीक है, सो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। एंड जो आपका उदयगिरी खंडगिरी था, दैट इज रिलेटेड टू जैनिज्म। ओके, ये याद रखिएगा। गुजरी महल पैलेस, ये कहाँ पे लोकेटेड है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आप लोग जितने जल्दी दोगे उतने जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निहारिका, ओके, ग्वालियर बताया निहारिका ने। कृतिका, विदिशा, ओके, लेट्स सी, इट इज ग्वालियर। ठीक है, गुजरी महल, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई हुम? मानसिंह। फॉर हुम? अपनी क्वीन के लिए, मृगनयनी उनका नाम था, उनके लिए उन्होंने गुजरी महल बनवाया था। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ग्वालियर में ही आपका क्या है, रानी लक्ष्मीबाई का की समाधि है। एंड ऑल्सो देर इज अ टोम्ब ऑफ गौस मोहम्मद खान, उनका टोम्ब भी है। सो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ऑल्सो टोम्ब ऑफ तानसेन। तानसेन, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि तानसेन का रियल नाम क्या था, सो इट इज राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, ठीक है। एंड बिफोर गोइंग टू द कोर्ट ऑफ अकबर, ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ रीवा के एक राजा थे रामचंद्र, उनके कोर्ट में थे वो। सो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी एग्रीकल्चरल जोन्स? ये एमपीपीएससी का एक क्वेश्चन था। ओके, बी एट, तो कुड बी अ टफ क्वेश्चन। इसका आंसर 11 है। ठीक है, सो मध्य प्रदेश को 11 एग्रीकल्चरल जोन्स में बांटा गया, डिवाइड किया गया 11। ठीक है, ये नंबर याद कर लेना। रिवर तवा कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एंड टेल मी ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट जहाँ से रिवर तवा ओरिजिनेट होती है। ये बहुत लोगों का गलत हो गया, सो प्लीज दिमाग में रखना है, 11 एग्रीकल्चरल जोन्स में डिवाइडेड है एमपी। तवा रिवर के बारे में क्वेश्चन है, बताइए। अदीबा बता रही हूँ, बी अमरकंटक। जो तवा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है महादेव हिल्स से। ठीक है, छिंदवाड़ा से ये ओरिजिनेट होती है। तो डिस्ट्रिक्ट क्या है? छिंदवाड़ा है। ठीक है, सेम रिवर जो जहाँ पे छिंदवाड़ा में कौन सा फेस्टिवल होता था? गोतमा फेस्टिवल, जहाँ पे जाम रिवर फ्लो करती थी। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर, महादेव हिल्स। कौन सी क्रॉप का मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? हाँ, गुड कृतिका, महादेव हिल्स। रंजना, ए सोयाबीन, गुड। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में से डिस्कस किया था, सोयाबीन का था। एंड ऑल्सो ऑफ ग्राम, ठीक है, सो दोनों ही है। डी इज द राइट आंसर, सचिन, गुड। सो यहाँ पे याद रखिए, सोयाबीन तो है ही क्योंकि स्टेट हमारा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, उसके साथ साथ ग्राम का भी, चना का भी है। ठीक है, एंड ए एंड बी का है। वीट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, एंड सेकंड प्रोडक्शन में मेज एंड सेसमे है। थर्ड प्रोडक्शन के उस पे लेवल पे वीट, सॉर्गम एंड बाले। ठीक है, सो वीट का ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये भी पूछा जा सकते हैं ना, वीट के प्रोडक्शन में स्टेट का क्या रैंक है? सो ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, सो
ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि ये जो बोथ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो. ठीक है, तो सोयाबीन एंड ग्राम दोनों का ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताया ही था. अलाउद्दीन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड होता है? आयुषी ए मैहर. ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया. ठीक है, मैहर में होता अलाउद्दीन, एंड यहाँ पे इसीलिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए, मैहर एंड सतना. अब आपके दिमाग में ये क्लियर है कि मैहर इज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट. ओके, सहस्रधारा वाटरफॉल जो कि कहाँ पे है, किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे. तो कौन सा वाटरफॉल कौन से रिवर पे, खास करके नर्मदा के ऊपर कौन सा है, चंबल के ऊपर कौन सा है, एंड आपका कौन सी चंबल पे हो गया, तवा पे हो गया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. तो सहस्रधारा किस पे है? नर्मदा पे है. आपको बताना है कहाँ पे है ये सिचुएटेड. हाँ निहारिका, टोटल 55 डिस्ट्रिक्ट हैं एज ऑफ नाउ. ये टोटल 55 ही हैं. ठीक है, जो रिसेंटली बने आपके पंडूरना था, मैहर था, एंड देयर इज वन मोर मऊगंज. ये तीन जो है नए हैं, जबलपुर. सो इट इज ए खरगोन. ठीक है, खरगोन में देर इज अ प्लेस महेश्वर, वहां पे ये सहस्रधारा वाटरफॉल सिचुएटेड है. ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? बहुत ही है. और आपका दूसरा जो सबसे बड़ा है कहाँ पे है? हाँ गुड आकांक्षा, मई है पंडोना एंड मऊगंज. सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? ठीक है, खरगोन याद रखिए. कई बार हमें लगता है कि ये जबलपुर होगा, बट इट इज नॉट इन जबलपुर. सहस्रधारा खरगोन में है. बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? रीवा. ओके, बहुती जो है वो रीवा में है. सबसे बड़ा बहुती ही है सबसे बड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संत सिंगा जी सॉन्ग कहाँ पे गाया जाता है? चचई. ओके, चाहिए आपकी बीहड़ रिवर पे है ना, निमाड़. ओके लेट्स सी, बहुत ही बताइए, बहुत ही वॉटरफॉल किस रिवर पे? हाँ सबसे बड़ा बहुत ही है, एंड किस रिवर पे है बहुत ही आपका? तो संत सिंगा जी सॉन्ग जो है निमाड़ के रीजन में गाया जाता है. ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सॉन्ग है जो कि गाया जाता है. इसी तरीके से बिरहा पूछ लिया गया, तो बुंदेलखंड और बागेलखंड रीजन में बिरहा गाया जाता है एक तरीके से. रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? महना रिवर, सेलर रिवर. गुड शिवांश, सेलर रिवर पे. तुषार बी ग्वालियर. तो ग्वालियर इज दी राइट आंसर. रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, इट इज इन ग्वालियर. नेक्स्ट, बैटल ऑफ चंदेरी ये किन के बीच में लड़ा गया था? सो चंदेरी अशोकनगर में है. आपको बताना है ये बैटल ऑफ चंदेरी किन के बीच में लड़ा गया. तुषार सी बाबर एंड मेदिनी राय. सचिन भी सी कह रहे हैं, तो सी इज दी, चित्रंजना बी, सी इज दी राइट आंसर. बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में ये बैटल ऑफ चंदेरी फोर्ट किया गया था, एंड मेदिनी राय ही वॉज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राणा सांगा. सो एक साल पहले 1527 में एक और बैटल लड़ा गया था जिसका नाम क्या था? बैटल ऑफ खंडवा. इट वॉज फोर्ट बिटवीन बाबर एंड होम, बाबर एंड राणा सांगा. तो ये भी याद रखिए, बाबर एंड राणा सांगा के बीच में कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ खंडवा. सो दोनों ही बैटल जो है डिसाइसिव बैटल थे, एंड दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड ग्वालियर द की टू द रेस्ट ऑफ इंडिया? वो कौन सा वायसराय था या गवर्नर जनरल था जिसने ग्वालियर को बोला दैट इट इज द की टू द रेस्ट ऑफ इंडिया?
आई गिव यू हिंट दैट जो भी वायसराय होगा ही वॉज कॉल्ड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. तो शायद बता रहे हैं ए लॉर्ड हेस्टिंग्स. निहारिका ए. ओके ए इज इनकरेक्ट. बी इज द राइट आंसर. वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था. ठीक है. वॉरेन हेस्टिंग कॉल्ड ग्वालियर को द की टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द वेरी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ठीक है. ओके नेक्स्ट. ओके दिख ही गया आपको तो आंसर. ओके फिर भी बताइए. जलियांवाला बाग मैसेकर भोपाल में हुआ था किस ईयर में हुआ था. गुड आई तुषार. सी 1949 में. सो वी ऑल नो कि अच्छा ये बताइए अगर ये पूछा गया जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश अगर पूछा जाए तो क्या आंसर होगा. नहीं लॉर्ड हेस्टिंग. अच्छा ये कंफ्यूजन है क्या आपको कि लॉर्ड हेस्टिंग एंड वॉरेन हेस्टिंग दीज आर द सेम पर्सन. ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं. अगर ऐसा होगा तो वो आपको बोनस पॉइंट देंगे क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन उन्होंने दिया होगा. ठीक है. हाँ वेरी गुड. जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ मध्य प्रदेश अगर आया तो वो किस मैसेकर की बात कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट चरण पादुका मैसेकर जो कि कहाँ हुआ था. 1931 में हुआ था. वेयर इन छतरपुर. ठीक है. छतरपुर में हुआ था. प्लीज ये भी देख लीजिए. छतरपुर में कौन सा मैसेकर हुआ था. इट इज चरण पादुका मैसेकर. ठीक है. 1931 में हुआ था. एंड उस टाइम में कौन जनरल था. जैसे वी ऑल नो जनरल डायर के कमांड पे ही क्या किया गया था. जलियांवाला बाग में ओपन फायरिंग की गई थी. वैसे ही एट दैट टाइम यहाँ पे चरण पादुका मैसेकर के टाइम पे देर वॉज अ जनरल कॉल्ड फिशर. उसके कमांड पे क्या हुआ था. देर वॉज दी ओपन फायरिंग ऑन द इनोसेंट पीपल. ठीक है. और जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि भोपाल में हुआ था वो किसके अंडर हुआ था. सो देर वॉज अ ऑफिसर कॉल्ड ह्यूग रोज हु वॉज इन्वॉल्व लाइक जो आपका रिवोल्ट था इसको सप्रेस करने में भी ही वॉज अ मेजर रोल. दोनों अलग हैं. ठीक है. आकांक्षा दोनों सेपरेट हैं. जो वॉरेन हेस्टिंग है वो बहुत डिफरेंट है. लॉर्ड हेस्टिंग वो अलग है. ठीक है. ओके सो जलियांवाला मैसेकर 1949 ह्यूग रोज के टाइम में एंड चरण पादुका वाला जो मैसेकर हुआ था इट वॉज ड्यूरिंग 1931 कर्नल फिशर के टाइम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ वराहमिहिर. उज्जैन आंसर आ रहा है. उज्जैन इज दी राइट आंसर. ठीक है. वराहमिहिर का बर्थ प्लेस उज्जैन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है. सो अभी बात चल रही है नौरा देवी को दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसके साथ कनेक्ट करने का एंड इट विल बिकम दी लार्जेस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया. तो नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है. आशीष ने बताया बी रायसेन एंड सीहोर. ओके और कोई. ए अदीवा ने बताया ए. ए इज द राइट आंसर. सागर दमोह और नरसिंहपुर में के पास जो है नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा. ठीक है. हाँ सबसे बड़ी बनने वाली अभी मतलब हाँ यहाँ की सबसे बड़ी. एग्जैक्टली आकांक्षा ये सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ एमपी की कौन सी है. नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर ऑप्शन में सागर आता है मार्क सागर. ठीक है. सो बेसिकली जो मेजर एरिया है वो सागर में लाई करता है नौरा देवी. हाँ 100 किलोमीटर जबलपुर के पास पड़ता है लाइक ऑन द वे टू जबलपुर एंड सागर. ओके सो दीज वर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नाउ आई हैव कॉन्सोलिडेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स. आपको ये पता है कि जो रीसेंट बुक्स रहती हैं
उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? सो आई हैव जस्ट टेकन दी लाइक स्नैप्स ऑफ दोज इम्पोर्टेंट बुक्स. तो एक बार आप क्या कर लेना यहाँ पे, या तो मैं एक बार स्टेट कर देती हूँ, आप लोग देख लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? सो देर इज अ इम्पोर्टेंट बुक जिसका नाम क्या है, 10 ट्रिलियन ड्रीम. इंडिया को 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो सपना है वो, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है बाई सुभाष चंद्र गर्ग. उसके अलावा मुंडका उपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते हमने लिया था, उसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है बाई जगदीप धनखड़, हु इज अवर वाइस प्रेसिडेंट, है ना? नाउ मेड इन इंडिया इज अ बुक बाई अमिताभ कांत, इंपॉर्टेंट है. बिरसा मुंडा जनजाति नायक करके एक बुक लिखी गई है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा. टूम्ब ऑफ सैंड, इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, गीतांजलि श्री ने इसे लिखी है. फियरलेस गवर्नेंस बाय किरण बेदी, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर. गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इट इज बाय नवदीप सिंह गिल. अटल बिहारी वाजपेयी बाय सागर का घोष. इट्स वंडरफुल लाइफ बाय रस्किन बॉन, इंपॉर्टेंट है. द इंडिया स्टोरी बिमल जलान. 400 डेज बाय चेतन भगत. आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन, अरुंधति रॉय. लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, वेंकैया नायडू ने लिखी है. एंड वी आर डिस्प्लेस्ड बाय मलाला यूसुफजई. ओके, एंड द लास्ट इज द लिविंग माउंटेन, इट इज बाय अगेन अमिताभ घोष, ठीक है? एंड देयर इज टू बुक्स एक्चुअली, जंगल नामा एंड दिस द लिविंग माउंटेन, ठीक है? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, पिछले जो 3 सालों में बुक लिखी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही. अभी तो इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ क्या करें, रिवाइज करें, बट इम्पोर्टेंट ये रहे हैं. सो इसको आप एक बार जरूर देख के जाना. नाउ इसके अलावा रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स दिए गए हैं. आपको पता है कि जो पुराने जीआई टैग्स हैं वो तो आपने खुद से पढ़ा होगा, जैसे कड़कनाथ कहाँ से बिलोंग करता है, जिसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है? ओ आपने 400 डेज पढ़ी है, अच्छा ठीक है. तो मतलब पढ़ी है तो आप तो आराम से आंसर कर सकती हो कि किसने लिखी थी, ठीक है? तो अभी रिसेंटली जो जीआई टैग्स मिले हैं वो है गॉन पेंटिंग, कहाँ से है, डिंडोरी से. मैंने अभी बोला था कई सारे आर्टिस्ट जो हैं डिंडोरी से बिलोंग करते हैं, तो गोन पेंटिंग को कहाँ से जीआई टैग मिला, डिंडोरी से, ठीक है? बटिक प्रिंट उज्जैन से. कुछ स्टोन क्राफ्ट हैं, आप सभी को पता है कि मार्बल्स के लिए जबलपुर इज फेमस. सो बेड़ा घाट के जो मार्बल्स हैं जबलपुर के, उनको स्टोन क्राफ्टिंग में उन्हें जीआई टैग दिया गया. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज सुंदरजा मैंगो, ये कहाँ से है, रीवा, ठीक है? तो ये रीवा का हो गया. चिन्नौर को हमने देख ही लिया था फ्रॉम बालाघाट, ठीक है, ये देख लीजिए. एंड नाउ हाउ मेनी वेटलैंड्स आर इन आवर स्टेट? सो देयर आर 4 वेटलैंड्स, कौन कौन से, जो कि रामसर साइट्स में. सो सांख्य सागर, ये शिवपुरी में है. यशवंत सागर जो कि गंभीर रिवर के ऊपर है. एंड सिरपुर लेक, दोनों ही कहाँ पे, इंदौर में. एंड वी ऑल नो भोजपाल, भोजताल, दैट इज इन भोपाल, ठीक है? ओके, ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने क्या किया लास्ट मोमेंट पे, दैट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू. सो यहाँ पे हमने जस्ट देख लिया, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. कई लोग अलग अलग स्टेट में जा रहे होंगे क्योंकि उनका एग्जामिनेशन सेंटर अलग स्टेट में आया है. सो फॉर दो स्टूडेंट्स, हैव अ हैप्पी जर्नी और अच्छे से एग्जाम आप लोग करके आना, ओके? चलो, थैंक यू एवरीवन.